बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। टुडे और लेक्चर इज लेक्चर नंबर 25 एंड आवर टॉपिक इज कॉम्प्रिहेंशन। सो आज हम लोगों ने कॉम्प्रिहेंशन करनी है। कॉम्प्रिहेंशन नंबर 3 है हमारे पास। डायरी आज की आपकी होगी वर्कबुक पेज नंबर 88 to 90। सो स्टार्ट करते हैं। ओपन योर वर्कबुक पेज नंबर 88। रिस्पेक्ट फॉर नेबर्स, अपने हमसायों के लिए इज्जत। और बिलव्ड प्रॉफिट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम सैड, हमारे प्यारे जो पैगंबर हैं, हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, ही हु कॉजेज़ हिज़ नेबर ट्रबल इन नॉट अ ट्रू बिलीवर। जो भी इंसान जो है अपने हमसायों के लिए सबब बनता है उनकी मुश्किलात का, वो एक अच्छा जो है वो बिलीवर नहीं है, यानी एक अच्छा मुसलमान नहीं है। अ मुस्लिम मस्ट नेवर कॉज हार्म टू हिज़ नेबर, एक मुसलमान जो है वो कभी भी अपने हमसाए को नुकसान नहीं पहुँचा सकता। अ नेबर इज़ नॉट जस्ट द पर्सन हु लिव्स नेक्स्ट डोर टू योर टू यू। अब ये कह रहे हैं कि एक हमसाया जो है वो सिर्फ ये वही एक शख्स नहीं होता जो कि आपके साथ वाले या आपके दरवाजे से अगले घर में रहता हो, और इन योर ओन नेबरहुड या आपके अपने साथ बिल्कुल जो है वो रहता हो। अ फेलो स्टूडेंट, फेलो वर्कर और इवन योर फेलो ट्रैवलर ऑन अ जर्नी आर रिगार्डेड एज योर नेबर। आपके कह रहे हैं कि एक फेलो स्टूडेंट यानी कि हम जमायत जो बच्चे होते हैं वो जहाँ पर आप काम करते हैं वहाँ पर आपके कोलीग्स और इवन यू योर फेलो ट्रैवलर ऑन अ जर्नी, आपके कह रहे हैं सफ़र के दौरान आपका जो फेलो होता है यानी आपके साथ जो बैठे हुए होते हैं, आर रिगार्डेड एज योर नेबर, वो तमाम के तमाम जो हैं वो आपके हमसाए के तौर पर जाने जाते हैं। रिस्पेक्ट फॉर योर नेबर इंक्लूड्स द फॉलोइंग, अब नेबर्स की रिस्पेक्ट में क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड हैं। टू ग्रीट हिम वार्मली, उन्हें बहुत ही अच्छे तरीके से मिलना। टू स्माइल एट हिम विद अ चीयरफुल फेस, उनकी तरफ अच्छे से मुस्कान वाले फेस के साथ यानी मुस्कुराते हुए उनकी तरफ देखना। टू हेल्प हिम इफ़ ही आस्क फॉर हेल्प, उसकी मदद करना अगर वो आपसे मदद के बारे में पूछे। टू लैंड हिम इफ़ ही नीड्स अ लोन, उसको पैसे देना, उसको लोन देना अगर उसको इसकी ज़रूरत हो। टू नर्स हिम इफ़ ही इज़ इल, उसको जाकर उसकी इयादत करना अगर वो बीमार हो। टू फीड हिम व्हेन ही इज़ हंग्री, उसको खाना खिलाना जब वो भूखा हो। टू अटेंड हिज फनरल इफ़ ही डाइज, उसकी जो अगर वो मर जाता है तो उसके जो है जनाजे वगैरह में शरीक होना, उसके घर वालों का ख्याल रखना। नॉट टू ब्लॉक द सनशाइन एंड एयर बाय रेजिंग योर बिल्डिंग हाई विदाउट हिज परमिशन, उनकी जो सूरज की रोशनी है उसको और हवा को ब्लॉक ना करना अपनी इमारतों को ऊंचा करते करते उसकी इजाज़त के बगैर। नॉट टू डिस्टर्ब और कॉज इन ट्रबल, उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना करना और ना ही उसके लिए कोई मुश्किल का बायस बनना। नॉट टू एम्बैरस हिम, उसको कभी भी शर्मिंदा ना करना। अब ये क्या कह रहे हैं, हम सायों का ख्याल हम लोग किस तरह से रख सकते हैं, उनको अच्छे तरीके से मिलकर जब हम उनसे मिलें तो हमारे चेहरे पर एक बहुत बड़ी मुस्कुराहट होनी चाहिए। जब हम उनको देखें तो हम मुस्कुराएं, अगर उनको पैसों की ज़रूरत है तो हम उनको पैसे दें, अगर उनके खाने की ज़रूरत है तो हम लोग उनको खाना प्रोवाइड करें, और उनके जो घर हैं हम लोग को अपनी ऊँची ऊँची इमारतें बनाकर अपने सामने वालों के या साथ वाले लोगों की हवा और सूरज की रोशनी जो है उनके लिए बंद नहीं कर देनी चाहिए उनकी इजाज़त के बगैर। ना ही उनको हमें कभी कहीं शर्मिंदा करना चाहिए, ना ही उनको डिस्टर्ब करना चाहिए। अब हम कॉम्प्रिहेंशन की तरफ आते हैं, सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को। रीड द पैसेज एंड सर्कल द करेक्ट आंसर, सबसे हम पैसेज हम लोग रीड कर चुके हैं, अब हमने यहाँ पे करेक्ट आंसर पे सर्कल करना है। अ मुस्लिम मस्ट नेवर कॉज डैश टू हिज नेबर्स हेल्प्स हार्म यूजफुल, सो हार्म यानी कि मुसलमान जो है कभी भी अपने हमसाए को तकलीफ नहीं पहुँचा सकता। अ मुस्लिम शुड स्माइल एट हिज नेबर विद अ डैश फेस, चीयरफुल सैड बैड चीयरफुल फेस के साथ, यानी बहुत ही अच्छे जो है एक खुश मिजाजी वाला जो चेहरा है उसके साथ उसकी तरफ देख कर मुस्कुराना। अ मुस्लिम शुड डैश हिज नेबर वैन ही इज़ इल एम्बेरस स्पॉयल नर्स, सो नर्स आएगा यहाँ पर इसका आंसर। हम लोगों ने जैसा कि प्रॉपर पूरा यहाँ पर हमने अपनी रीडिंग में पढ़ा है। Never dash your neighbor, embarrass, lend money to greet. So embarrass यानी उसको शर्मिंदा नहीं करना चाहिए। A true Muslim always dash the rights of his neighbors, leave, ignore, fulfill. या क्या क्या कह रहे हैं कि एक अच्छा मुसलमान जो है वो हमेशा अपने जो हमसाए हैं उसके तमाम हकूक़ को पूरा करते हैं। Color the word that correctly describe a good Muslim in blue and those that do not in रेड, आप क्या कह रहे हैं कि आप लोगों ने कलर करना है उनको जो कि उनकी हैबिट्स हैं एक अच्छे हमसायों की, यानी जो उनके साथ हम लोग का करना चाहिए और जो बुरा है उसके अंदर आप लोगों ने रेड कर देना है। पीएस के अंदर आप लोग ब्लू करेंगे, ठीक है, बहुत ही प्योर होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए। रूड जो है ये गलत है इसलिए आप लोग इसके अंदर रेड कलर करेंगे। काइंड अच्छा जो है इसके अंदर आप लोग ब्लू कलर करेंगे।
सेल्फिश यानी खुदगर्ज हो जाना ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, इसके अंदर आप लोग रेड कलर करेंगे। अनकेयरिंग उसकी मतलब बिल्कुल भी केयर ना करना ये भी गलत बात है, इसलिए आप लोग यहाँ पर रेड कलर करेंगे। पेशेंट ब्लू कलर करेंगे यहाँ पे आप लोग, फॉरगिविंग उसको माफ़ कर देना ये भी आप यहाँ पे भी ब्लू कलर करेंगे। पोलाइट यानी उसके साथ नरम लहजे से बात करना इसमें भी आप लोग ब्लू कलर करेंगे। केयरिंग उसकी केयर करना भी जो है आप लोग इसमें भी ब्लू कलर करेंगे, यानी ये अच्छी बात है। सो इसके अंदर आप लोगों ने प्रॉपरली कलर्स करनी है। आंसर द क्वेश्चन, हु इज़ आ नेबर, एक नेबर कौन होता है? अ पर्सन हु लिव्स नेक्स्ट डोर टू यू, अ फेलो स्टूडेंट, वर्कर, इवन योर फेलो ट्रैवलर आर रिगार्डेड एज नेबर। आप ये कह रहे हैं कि एक ऐसा शख्स जो आपके दरवाजे से अगले दरवाजे पर रहता हो, यानी आपके सामने वाला और आपके साथ वाला दोनों ही आपके हमसाए होते हैं। अ फेलो स्टूडेंट आपका हम जवाद जो स्टूडेंट है, यानी हम जवाद जो तुलबा है वो भी आपका हमसाया है। वर्कर जो है वो भी एक दूसरे के साथ जब होते हैं तो वो भी हमसाए हैं, यानी जहाँ पर आप लोग काम करते हैं वहाँ पर जो वर्कर्स होते हैं वो भी आपके मतलब हमसाए ही गिन जाते हैं। आपके दूसरे फेलोज जब आप ट्रैवल कर रहे होते हैं तो जर्नी के अंदर जो जो भी आपका साथी होता है वो भी सब लोग आपके हमसाए ही माने जाते हैं। राइट एनी टू राइट्स ऑफ अ नेबर, हमसायों के कोई से भी दो हकूक लिखने हैं। टू नर्स हिम इफ ही इज़ इल, उनकी आदत करना जब वो बीमार हो। टू ग्रीट हिम वार्मली, उन्हें अच्छे तरीके से मिलना। यहाँ पर जो हमने लिखे हुए थे ये तमाम के तमाम जो ये हमने पढ़े हैं ये सारे के सारे जो हैं ये नेबर्स के ही राइट्स हैं। आप लोग यहाँ से कोई भी दो जो है वहाँ पर राइट कर सकते हैं। इफ़ समवन वांट्स टू रेज हिज बिल्डिंग हायर देन हिज नेबर्स, व्हाट शुड ही डू? अब ये कह रहे हैं कि अगर कोई अपने हमसायों से जो ऊंची इमारत बनाना चाह रहा है तो उसे क्या करना चाहिए? ही शुड टेक परमिशन फ्रॉम हिज नेबर्स, तो उसे अपने हमसायों से जो है वो इजाज़त लेनी चाहिए। डू यू गेट ऑन वेल विद योर नेबर्स? येस आई गेट ऑन वेल विद माई नेबर्स। अब वो पूछे कि क्या आप लोग अपने हमसायों के साथ अच्छे हैं? तो जी हाँ, हम लोग अपने हमसायों के साथ बहुत अच्छे हैं। What would you do if your neighbors were causing you problems? आप क्या करेंगे अगर आपके हमसाए जो हैं वो आपके लिए जो है मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं या मुश्किलात का सबब बन रहे हैं? I would surely behave politely and try to solve matter with collaboration. आप क्या कह रहे हैं कि हम लोग वाकई में मैं बहुत ही अच्छे तरीके से यानी बहुत ही नरम लहजे के साथ जाकर उनसे बात करूंगा और मसला जो है उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, दोनों की बातों को ध्यान में रखते हुए। कीप योर नेबरहुड क्लीन, अपने हमसाए को जो है साफ़ रखें। व्हाट वुड यू डू टू कीप योर नेबरहुड क्लीन? आप क्या करेंगे अपना हमसाए को साफ़ रखने के लिए, यानी एक दूसरे के कुछ भी ना हो, कोई क्लैश ना हो। इफ़ आई सी ट्रैश ऑन द ग्राउंड आई वुड स्पिट इट इन टू द डस्टबिन। आप क्या कह रहे हैं कि अगर मैं उनके ही अपने घर के आगे, इसका मतलब यही है कि अगर मैं उनके ही अपने घर के आगे भी कोई कचरा वगैरह देखूंगा तो मैं उसे उठाकर डस्टबिन में फेंक दूंगा। इफ़ ही आस्क फॉर हेल्प आई वुड हेल्प हिम, अगर वो मुझसे मदद के लिए पूछेगा तो मैं उसकी मदद करूँगा। इफ़ ही इज़ इल आई वुड नर्स हिम, अगर वो बीमार होगा तो मैं उसकी इयादत के लिए जाऊँगा। इफ़ ही इज़ हंग्री आई वुड फीड हिम, अगर वो भूखा होगा तो मैं उसको खाना खिलाऊँगा। आस्क योर पेरेंट्स और टीचर टू हेल्प यू कम्प्लीट द फॉलोइंग आया। बी पोलाइट टू पेरेंट्स एंड नियर फैमिली एंड ऑर्फन्स एंड हम्बल एंड द नेबर हु लिव्स क्लोज टू यू एंड द रिलेटिव्स हु इज़ मोर डिस्टेंट। सूरतुन्निसा की ये आयत है, इसके अंदर क्या वो कह रहे हैं कि बी पोलाइट टू पेरेंट्स, यानी अपने वालदैन के साथ नरम लहजे से बात करें, उनके साथ नरम रहें, और अपने जो फैमिली है जो आपकी करीबी फैमिली है उनके साथ और यतीमों के साथ और एंड द हम्बल एंड द नेबर्स, और जो है मतलब जिनको मदद की हमारी ज़रूरत होती है उनके साथ और हमारे हमसायों के साथ। हु लिव्स क्लोज टू यू, जो आपके बिल्कुल करीब रहते हों, और आपके रिश्तेदार जो कि आपसे चाहे ज़्यादा दूर भी हों लेकिन आपके रिश्तेदार भी हों, करीब के हों दूर के हों, उनके साथ हम लोगों को अच्छा सलूक करना चाहिए। सो इसको आप लोगों ने बहुत ही ध्यान से करना है और इस आयात को आप लोगों ने ज़रूर अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस करना है। यही था आज का आपका लेक्चर, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आई होगी। जज़ाकअल्लाह, अल्लाह हाफिज़।